गुड मॉर्निंग, एक बार फिर से आपका स्वागत है वेस्ट प्लस अफेयर्स के अंदर। तो आज का विचार क्या है? तो आज का विचार है अनुशासन आपका आज कठिन और कल आसान बनाता है। तो अनुशासन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जीवन के अंदर, ठीक है। एक टाइम टेबल होना जरूरी है, ठीक है। उसके अंदर आपका हर जो आप काम करने वाले हैं वो एक दिन पहले आप रात को सोने से पहले लिख सकते हैं, और आपको अगले दिन क्या क्या काम करना है। इंपॉर्टेंट काम को आपको प्रायोरिटी देनी है, जबकि सेकेंड इंपॉर्टेंट जो काम होते हैं उनको सेकेंड प्रायोरिटी पे रखना है। तो आज का विचार यही है कि अनुशासन आपका आज कठिन और कल आसान बनाता है। तो चलिए, आज की खबर क्या है? तो आज की खबर है, जैसे कि हम पढ़ते हैं कि आज के दिन इतिहास में क्या हुआ था। तो आज डेट क्या है? तो आज है 8 फरवरी। क्या है? 8 फरवरी। तो आज के दिन इतिहास में 1897 को देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1897 में देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति। काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, वन लाइनर क्वेश्चन के अंदर। 6 मई 1967 को देश के तीसरे राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने वाले थे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ पूरा विपक्ष था। कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार थे के सुब्बा राव, जो बाद में आरबीआई के गवर्नर भी बने, जो पहले आरबीआई के गवर्नर भी थे। पूरा विपक्ष डॉक्टर जाकिर हुसैन के खिलाफ एकजुट हो चुका था। उस दिन शाम को ऑल इंडिया रेडियो का प्रसारण बीच में रोक दिया गया। राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों की घोषणा होनी थी, इसलिए वो एक दिन पहले ही जो रेडियो का प्रसारण था वो बीच में रोक दिया गया। रेडियो पर बताया गया कि कुल 8,38,170 वोटों में से 4,71,244 वोट हासिल करके जाकिर हुसैन राष्ट्रपति का चुनाव जीत चुके हैं। के सुब्बा राव को 3,63,971 वोट मिले। उस दिन देश का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति मिला। तो ये अपने अपने देश के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि क्योंकि एक हिंदू राष्ट्र होने के साथ साथ वो किसी के अंदर भेदभाव नहीं करता है, और संविधान इसी के ऊपर टिका हुआ है, ठीक है। और भारत देश का संविधान की यही खूबसूरती है कि वो किसी के अंदर धर्म, जाति, लिंग, ठीक है, और रहने के स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। आप मूल अधिकार के अंदर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट खबर क्या है? तो नेक्स्ट खबर है, तुर्की के अंदर भूकंप आया, ठीक है, 6.1 रेक्टर स्केल का। रेक्टर स्केल क्या होता है? यह भूकंप को मापने का एक उपकरण है। फोटो में खुद फोटो जो खुद खबर के अंदर है, ये लड़की है और ये इसका भाई है। सीरिया की तुर्की सीरिया की इस तस्वीर को यूनाइटेड नेशन रिप्रेजेंटेटिव मोहम्मद सपा ने ट्विटर पर शेयर किया है। क्यों किया है देख लेते हैं। सोमवार को आए भूकंप में 7 साल की एक बच्ची अपने भाई के साथ इमारत के मलबे में दब गई। उन्हें 17 घंटे बाद रेस्क्यू किया गया। इस दौरान बच्ची ने भाई को बचाने के लिए उसके सिर पर हाथ रखा हुआ था। तो कई बार रिश्तों के अंदर दरारें देखने को मिलती है, रिश्तों को बदनाम किया जाता है, लेकिन कई रिश्ते उन आज भी कुछ ऐसे रिश्ते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसी फोटो, खबर और ऐसी कहानियां सामने निकल कर आती हैं जो रिश्तों को मजबूती प्रदान करती हैं। आप इस फोटो के अंदर देख सकते हैं, भाई बहन का जो रिश्ता होता है वो बहुत ही प्यारा, सुंदर और समन्वय वाला होता है। एक बहन ने अपनी परवाह किए बिना अपने भाई के सर पर हाथ रखा, यह एक काफी है एक भाई बहन को रिश्ते को मजबूती प्रदान करने के लिए। आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज वैसे तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट खबर है नहीं, ठीक है। आज कोई बीजेपी, कांग्रेस, फलाना ढिकाना पार्टियां वो आपस में टकराती रहती हैं और अपने विवाद है वो चलते रहते हैं। इस वजह से कोई खबर बनती नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो इंपॉर्टेंट है मैं आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ, और ऐसी खबरें समाज को जोड़े रखने में काफी महत्वपूर्ण होती हैं, इसलिए मैं आपको ये खबरें बताता हूँ। सुविचार तो मैं आपको बताता ही, ठीक है। उसके साथ साथ आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इसको सपोर्ट कर सकते हैं, अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद है तो, ठीक है। थैंक यू सो मच।